रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने चुनाव अधिकारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे हैं, फॉर्म 6 और 7 निःशुल्क देना है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोग हताश और निराश हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक नाम जुड़वाने का अंतिम दिन है लेकिन नाम जुड़वाने में अधिकारी मदद नहीं कर रहे। बीजेपी निर्वाचन आयोग से 16 सितंबर तक तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फर्जी नाम जुड़वाए, शिकायत की गई लेकिन नाम नहीं काटे गए। कांग्रेस फर्जी वोटों के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। कुछ कांग्रेस के लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर में अपने अपने विधानसभाओं में फर्जी नाम जुड़वाए, जिसके प्रमाण भी हमने पिछले दिनों दिए, लेकिन जितने हमने प्रमाण दिए थे उतने नाम कटे नहीं है। तो ये जो सरकार की जो शिथिलता है और चुनाव आयोग के पास में पर्याप्त पैसा है और खासकर सरकार भी अगर चाहती है छत्तीसगढ़ के अंदर में निष्पक्ष चुनाव हो तो अपनी योजनाओं के आप विज्ञापन देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं लेकिन एक व्यक्ति को मत का अधिकार मिले उसके लिए विज्ञापन देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। वॉल राइटिंग के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। जनहित में जन जागरण के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है क्योंकि सरकार जो है वो फर्जी मत के आधार पे अपने आप को जिताने का असफल प्रयास कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सांसद सुनील सोनी ने चुनाव अधिकारी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, निशाना साधा है, बताइए आखिर क्या है पूरी जानकारी? है और ऐसे में सांसद सुनील सोनी का ये बयान काफी अहम कहा जा सकता है। राज्य सरकार पर प्रचार प्रसार नहीं करने का आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अलग अलग जो मतदान केंद्र है या फिर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर सुनियोजित तरीके से फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है। बीरगांव की चर्चा भी उन्होंने की जहाँ एक घर में 200 से अधिक जो मतदाता पाए गए थे उसकी शिकायत की गई है और ऐसे मतदाताओं के नाम नहीं काटने के आरोप भी लगाए हैं। और बड़ी बात यही कही जा सकती है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी विपक्ष में हो, जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो निर्वाचन आयोग के द्वार पर ये जाते हैं और अपनी शिकायत है दर्ज कराते हैं। फिलहाल इस तरह के मामले जो प्रकाश में आए हैं तो सांसद सुनील सोनी के बयान को लेकर के कांग्रेस ने भी तंज कसा है और कहा है कि हार का अभी से हार जो सुनिश्चित है बीजेपी की, तो इसलिए हार का ठीकरा अभी से फोड़ रहे हैं और इस तरह से आरोप है प्रत्यारोप है वो लगा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते हैं लेकिन फिलहाल एक बड़ा जो आरोप सांसद सुनील सोनी का इसे कहा जा सकता है। और उन्होंने जो है राज्य सरकार को विभागों को सहयोग नहीं करने के जो आरोप हैं वो लगाए हैं और जो मतदाता जुड़ नहीं पा रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। जी देखिए, आरोप तो लगाए गए हैं सांसद द्वारा कि लोग जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं वो भटक रहे हैं। आखिर आपने बात की होगी वहां पर लोगों से, उनका क्या कहना था, क्या वाकई में उन्हें परेशानी हो रही है इस तरह की? जी देखिए, हाल ही में जो सीओ हैं, निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने पीसी की है और सारे प्रोसीजर के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ये भी बताया था कि तमाम जो प्रोसीजर है ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब सांसद सुनील सोनी ये आरोप लगा रहे हैं कि फार्म 6 और 7 जो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, यही वजह है जो नए मतदाता हैं, नए जो भविष्य के जो वोटर हैं, जो युवा हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा है कि आखिर सांसद ने कितने लोगों के, कितने युवाओं के नाम हैं वो जोड़ाए हैं। तो ये कहा जा सकता है ऑनलाइन के माध्यम से भी जो आवेदन किए जा सकते हैं, एक क्लिक पर भी जो नाम जुड़ सकता है, ऐसा निर्वाचन पदाधिकारी कहते हैं। लेकिन अब चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में सांसद का आरोप लगाना देखना होगा कि उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं वो आती है निर्वाचन
पदाधिकारी क्या इस मामले को और संज्ञान लेते हैं, और कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया और उल्टा कांग्रेस जो बीजेपी के सांसद सुनील सोनी से पूछा है कि कितना नाम उन्होंने जुड़वाए है ये बताए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। अभी विधानसभा के चुनाव शुरू नहीं हुई है और भाजपा का नेता हार की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए बहाना बनाना शुरू कर दी है। सांसद सुनील सोनी को बताना चाहिए कि उन्होंने 4 साल में कितने नए नाम जुड़वाए हैं, कितने नामों को हटवाए हैं, और जहां आपत्ति थी क्या उनमें आपत्ति दर्ज कराए थे। असल मायने में विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा की करारी हार अभी से भाजपा नेताओं को दिख रही है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कल हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की पहली बैठक। सभी घोषित 21 प्रत्याशियों की बैठक हो सकती है। कुशभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हो सकती है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक ले सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। जनता के बीच जाने के लिए प्रत्याशियों को टिप्स दिए जाएंगे। कांकेर से बड़ी खबर है। कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारी ने वीआरएस लिया है। अधिकारी सरजू सोरी ने वीआरएस लिया है। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।